लाठीचार्ज, गोली कांड, कार्यकर्ताओं को मार मार के सरयू नदी में कई कार्यकर्ता हमारे बह के चले गए जिनका आज तक पता नहीं है। कई कार्यकर्ता गोली कांड में मारे गए, कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। राम जन्मभूमि के उस वक्त हम सब लोग यहाँ से ट्रेनों में गए थे क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकारें, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार, कार सेवकों को 1990 में जो कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे उन कार सेवकों के ऊपर अंग्रेजों जैसा जुल्म मुलायम सरकार ने किया था। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हम लोगों ने जो उस सक्रियता के साथ काम किया था, हमारे जैसे हजारों लाखों स्वयं सेवकों ने ये अपना समय दे करके और इस काम को अंजाम दिया था। जब रामशिला पूजन के माध्यम से गली गली और घर घर घूमकर हमने 4 आने 8 आने 1 रुपये 2 रुपये और रामशिला पूजन के माध्यम से धनराशि एकत्रित की थी और हम भी इस 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद राम जन्मभूमि के बाबा जी के दर्शन करने हम जाएंगे। अयोध्या में विवादित ढांचे को हटाए जाने के लिए कार सेवकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भी हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए और 1989 तथा 1992 में कार सेवा कर कलंक को मिटाने में अपनी भूमिका निभाई। आज हम उन्हें कार सेवकों से मिलने उज्जैन पहुंचे, जहां हमें 2 कार सेवक सुरेंद्र सांकला और ओम अग्रवाल मिले। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला उसी जगह पर विराजित हो रहे, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है क्योंकि एक लंबा संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए चला। उज्जैन की जहाँ तक बात करूँ, राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 साल पुराना है, लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश का संघर्ष है, देश का संघर्ष है, ये 1990 में प्रारंभ हुआ था जब रामशिला पूजन के माध्यम से गली गली और घर घर घूमकर हमने 4 आने 8 आने 1 रुपये 2 रुपये और रामशिला पूजन के माध्यम से धनराशि एकत्रित की थी। जब से यह संघर्ष जारी रहा। आपके अनुभव क्या रहे हो? बड़ा कठोर अनुभव रहे हैं क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकारें, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार, कार सेवकों को 1990 में जो कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे उन कार सेवकों के ऊपर अंग्रेजों जैसा जुल्म मुलायम सरकार ने किया था। लाठीचार्ज, गोली कांड, कार्यकर्ताओं को मार मार के सरयू नदी में कई कार्यकर्ता हमारे बह के चले गए जिनका आज तक पता नहीं है। कई कार्यकर्ता गोली कांड में मारे गए, कई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। मेरे साथ उस समय शांति स्वरूपानंद जी महाराज, उदय सिंह जी पंड्या, हम एक ही जत्थे में साथ में गए थे। झांसी के आगे चीर गांव में मुलायम सिंह की पुलिस ने हमें रोका, रोकने के बाद बस में से उतारा और शांति स्वरूपानंद जी और उदय सिंह जी पंड्या के ऊपर हमला किया जिसमें उदय सिंह जी पंड्या का एक हाथ टूट गया। हमने उनका वहां पर इलाज कराया। उसके बाद में हमें चीर गांव के कृषि महाविद्यालय में खुली जेल के अंदर 6 दिन तक बंद रखा और उसके 6 दिन के बाद फिर हमको रिहा करा मध्य प्रदेश की ओर। तो इस प्रकार से उस समय मुलायम सिंह का काफ़ी कहर, लेकिन उसके बाद भी कार सेवक वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। उसके बाद 1992 में जब दूसरी बार कल्याण सिंह की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग ट्रेन के माध्यम से, जिसमें भारत जैन, शिवा मोटवानी, किशोर खंडेरवाल, हम जैसे कार्यकर्ता एक जत्थे के रूप में अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या में हम सबको ठहराया गया, वहाँ पर भंडारा लंगर के अंदर हमारा भोजन होता। उसके बाद अड़वानी जी, उमा भारती और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एक सभा हुई। सभा के बाद में हमने अपना ध्यान उधर बाबरी मस्जिद की ओर कुछ किया और बाबरी मस्जिद के ढांचे को हम सब ने मिलकर ध्वस्त किया और तत्पश्चात पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लग चुका था। हमें फैजाबाद जाना था, फैजाबाद से हमें उज्जैन की ओर आना था, लेकिन कर्फ्यू के कारण हम बड़ी मुश्किल से फैजाबाद पहुँचे और ट्रेन के माध्यम से उज्जैन आए। लेकिन रास्ते में एक भी स्टेशन पर चाय पानी या खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम भूखे प्यासे उस ट्रेन के माध्यम से उज्जैन पहुँचे। उज्जैन पहुँचने के बाद जब हम घर आए तो स्थानीय पुलिस, राष्ट्रपति शासन लग चुका था, भारतीय जनता पार्टी की चारों सरकारों को भंग कर दिया था और पुलिस ने हमारे घर पर दबिश देना चालू की, जिसमें हमारे 2 साथी प्रेम गहलोत और बाबू गहलोत
पुलिस के हाथ लग गया। मैं भग चुका था, मैं 2 महीने तक अंडरग्राउंड रहा। उन्होंने उसके हाथ के हाथ पैर तोड़ दिए और मरणासन्न स्थिति में भैरूगढ़ के हॉस्पिटल में उनको ले जाके पटक दिया गया। बड़ी मुश्किल से 2 महीने बाद उनकी जमानत करा के और बाहर ला के उनका इलाज किया गया। इस प्रकार मुलायम सिंह की सरकार ने तो अत्याचार किया, साथ में राष्ट्रपति शासन में भी कार सेवकों पर काफ़ी अत्याचार हुआ। आज राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, यह देखकर आत्मा प्रफुल्लित है, आत्मा बहुत खुश है। अयोध्या जाने के लिए आपको निमंत्रण आया? अयोध्या जाने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष का कल फोन आया कि ओम जी आपको अयोध्या जाना है और 8-10 दिन को आपको वहीं रहना है, वहाँ की व्यवस्थाएँ देखना। तो बांडू में जब आप गए थे, कोई विशेष जत्ते में आपको स्पेशल बुलवाया गया था? हम मध्य भारत प्रांत का एक अलग से जत्था बना था जिसमें राधेश्याम त्रिपाठी, नंदू काला, गजानन भट्ट और मैं, ऐसे हम मध्य प्रदेश प्रांत के 25 कार्यकर्ता थे जिनको सबसे आगे जाना था। और उसमें ये तय हो गया था कि तुम वापस आ गए तो ठीक है, अगर तुम्हारे कुछ हो जाता है तो इसमें हमारी जवाबदारी नहीं रहेगी, तुम्हारी खुद की स्वयं की जवाबदारी रहेगी। अगर आप अपनी जवाबदारी से जाना चाहें तो आप जाएं, वरना मना कर दें। तो हम अपनी स्वेच्छा से उस शहीद जत्थे में शामिल हुए और सबसे आगे जाके और हमने उस ढांचे को ध्वस्त किया। आपका नाम? ओम प्रकाश अग्रवाल। बहुत ही खुशी का पर्व है सनातन धर्म और श्री राम जी के जन्म स्थान पर भव्य ऐतिहासिक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का प्रतिष्ठापन होने जा रहा है। उस वक्त जब 90 के दौर में हम लोगों ने घर घर जन जागरण के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद और सारे लोगों के, हमारे उज्जैन के स्थानीय नेताओं के माध्यम से घर घर जागरण का काम किया था, और उस वक्त दिल्ली में भी जो आंदोलन हुआ था उसमें भी भागीदारी थी और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर भी जो आंदोलन हुए थे उसमें भागीदारी थी, साथ ही घर घर शिला पूजन का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी सक्रियता के साथ काम किया था, और अंतिम कार सेवा में भी हम शामिल हुए थे। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हम लोगों ने जो उस सक्रियता के साथ काम किया था, हमारे जैसे हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने ये अपना समय दे करके और इस काम को अंजाम दिया था। आज बहुत ही खुशी की बात है कि न्यायालय के निर्णय आने के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना ऐतिहासिक काम करके उस मंदिर के भव्य निर्माण और सरयू नदी के तट पर घाटों के निर्माण सहित एक देश और दुनिया के लिए एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में और हमारे राम जी के मानस चरित्रधार करने के लिए जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आज यहाँ पर उज्जैन में भी अनेक संत अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए, उनका भी आज हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया, और हम भी इस 22 तारीख के कार्यक्रम के बाद राम जन्मभूमि के बाबा जी के दर्शन करने हम जाएंगे राम लला के। 1992 में जो आपने कार सेवा की थी वो कैसी थी और कौन से जत्थे में आप शामिल थे? राम जन्मभूमि के उस वक़्त हम सब लोग यहाँ से ट्रेनों में गए थे और हमारे जो जत्थेदार थे उन सबके नेतृत्व में जो हमारे स्वयंसेवक थे और जिनको भी जो जो जिम्मेदारियाँ दी थी उनके साथ हम शामिल हुए थे, और पूर्व संध्या पर जो हम लोगों का कार सेवा का जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें भी थे। और उस वक्त मुझे ध्यान है कि श्री प्रकाश चित्तौड़ा जी वगैरह हम लोग साथ में थे। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र साकला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओबीसी मोर्चा। कार सेवकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अयोध्या में कार सेवा के लिए जाने से पहले उन सभी ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया था। वे सभी एक ही भावना से उत्प्रोत थे कि उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान करना है। कार सेवकों ने बताया कि अयोध्या में कार सेवा के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बारिश, धूप और भीड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके मन में एक ही भावना थी कि उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए अपना तन, मन और धन अर्पित करना है। कार सेवकों ने बताया कि अयोध्या में कार सेवा के दौरान उन्हें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि वे राम मंदिर निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।
इससे कार सेवकों को बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। वे सभी इस बात से गौरवान्वित हैं कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाई। कार सेवकों के अनुभव हमें बताते हैं कि धर्म के लिए समर्पण, राष्ट्रभक्ति, सहिष्णुता और एकता जैसे मूल्यों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।